प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार पर रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरे हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्ची के रोजगार मिला है। डबल इंजन की सरकार उन महिषासुर चंड और मुंड के लिए जगत जननी माँ भगवती की तरह है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं। वहीं हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी भी नू पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी हरियाणा में रैली करते हुए नजर आए। सत्रह में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष में बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। आज अयोध्या एक नया एहसास करा रही है, विकास की, सुरक्षा की, समृद्धि की, और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा इसके दो अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता, किसानों के परिश्रम का कि पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना है डबल इंजन की सरकार। हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, माफिया ये समाज का, समाज के लिए सबसे, समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में।